गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, वेलकम टू द वेरिएंट वर्ल्ड। चले आज देखें एग हैच हुए कि नहीं हुए। वाओ, आई थिंक सेकंड बेबी केम आउट। लेट्स चेक। Oh, there is only one. I think egg will take more time to hatch. And this is lovebird doing rest in her nest. Friends, देहरादून में इस बार लगता है जैसे बारिश बंद होने का नाम ही नहीं ले रही है। आज भी देखें मौसम पूरा क्लाउडी है। Even I can't see the hills of Mussoorie. फ्रेंड्स, ये घर के लेफ्ट साइड से है डाट काली फॉरेस्ट का व्यू। क्लाइमेट आप देख सकते हैं काफ़ी ज़्यादा डेंस है। विजी फ्रेंड्स, मैंने आपको बताया था कि मेरी जो बेल है अब बड़ी हो गई है। ये देखो, ये ऊपर से आ रही है। और मैंने आपको पहले भी बताया था कि मैंने इसे इस तरह से करा है कि नाउ दे आर बिग एंड लुकिंग लाइक कर्टन। सी वाओ। अब देखो, अगर मैं यहाँ से देखूँगा तो ऐसा लगता है जैसे रास्ता बंद है। अब मुझे कर्टन हटाने पड़ेंगे आगे जाने के लिए। ऐसे फ्रेंड्स, बर्ड्स अपना मस्ती कर रही हैं। ये देखो, ये मेरी लव बर्ड म्यूटेशन कलर में आ चुकी है। ओके फ्रेंड्स, आज संडे है तो मैं आज बच्चों के लिए स्पेशल ब्रेकफास्ट बना रहा हूँ। सबसे पहले आप देखें मेरी पहली डिश, ब्रेड, हर्ब्स एंड बटर। मैं बना रहा हूँ बच्चों के ब्रेड स्टिक्स। लुक एट माई नाइफ, इट्स नाइस, आई लव माई दिस नाइफ। आपको ये ब्रेड स्टिक्स इस तरीके से काटनी है। जैसे कि आप देख सकते हैं मैंने और काट रखी है। ये बनेंगे अब बटर ब्रेड स्टिक्स विथ हर्ब्स। ओके फ्रेंड्स, अब हम अपना गैस ऑन करते हैं और हम इस जब ये हल्का सा टेम्परेचर में आ जाए तब इसमें हम डालेंगे बटर। और इसमें डालेंगे ब्रेड स्टिक्स। अब मैं इसमें थोड़ा सा बटर और ऐड करूंगा क्योंकि एक तो संडे है, ऊपर से बच्चों के लिए बन रहा है। लिटिल बिट मोर बटर। ओके फ्रेंड्स, अब आप देख सकते हैं हमारी ब्रेड स्टिक्स गोल्डन ब्राउन हो गई हैं। अब इसमें हम डालेंगे हर्ब्स। ये मेरे को मिक्स हर्ब्स डाल रहा हूँ मैं, इससे इनका फ्लेवर और बढ़ जाता है। ओके फ्रेंड्स, अब ये देख सकते हैं हमारी ब्रेड स्टिक तैयार है तो हम गैस ऑफ कर देते हैं और इसे निकालेंगे। सी फ्रेंड्स, नाउ माई बटर ब्रेड स्टिक्स विथ हर्ब्स इज रेडी। ओके फ्रेंड्स, अब मैं तैयार कर रहा हूँ अपने बच्चों के लिए स्पेशल फ्रेंच फ्राइज ऑमलेट। बच्चों को पोटैटो बहुत पसंद है। पहले हम हल्के सी ब्रशिंग कर लेंगे इसकी। ओके फ्रेंड्स, अब हम इसे पोटैटो को बारीक बारीक काटेंगे लाइक फ्रेंच फ्राइज। ये हमें पतले रखने क्योंकि हमें इसे ऑमलेट के साथ मिक्स करना है। ये देख सकते हैं मैंने पहले से ही काट के रखे हुए। अब हम इसे डालेंगे पैन में।
अब हमें इसे हल्के से हल्के सोटे करना है ताकि हल्के गोल्डन ब्राउन हो जाए। ओके फ्रेंड्स, अब हम इसे थोड़ी देर प्लेट से ढक देंगे ताकि पोटैटो अच्छे से पक जाए। ओके फ्रेंड्स, अब हम इसे चेक कर लेते हैं। हमने इसे 5 मिनट तक पकाया है ढक के। अब आप देख सकते हैं, हाँ, नाउ दे आर कुक्ड। अब इसमें हम थोड़ा सा हर्ब्स मैं हर्ब्स का बहुत इस्तेमाल करता हूँ क्योंकि मेरे को हर्ब्स बहुत पसंद है और मेरे बच्चों को भी। और इसमें थोड़ा सा सॉल्ट, लाइट सॉल्ट। ओके फ्रेंड्स, अब इस पे हम एग डालेंगे। मैंने 2 एग लिए हैं, इसमें मैं थोड़ा सा सॉल्ट और काली मिर्च मिलाई है। हमको यह एग इस तरीके से डालना है कि वो सारे पोटैटोस को अच्छे से मिक्स कर ले। एग अच्छे से मिक्स होने चाहिए पोटैटो में। ओके फ्रेंड्स, अब हम इसे फ्लिप करेंगे। ये देखिए, ये नीचे से अच्छे से पक गया है। ओके फ्रेंड्स, अब हम इसे दोबारा से फ्लिप करके देखते हैं। यस, नाउ यू कैन सी ये अच्छे से पक गया है और बहुत ही प्यारा लग रहा है देखने में। ओके फ्रेंड्स, मेरा ऑमलेट तैयार है, फ्रेंच फ्राइज ऑमलेट। और मैंने इसे थोड़ा सा डेकोरेट किया स्माइली चेहरा बना के, क्योंकि आज संडे थोड़ा सा फंडे। और साथ में मैंने दिया है बच्चों के लिए जूस, ये देखिए। और ये मेरी प्लेट है, बटर हर्ब्स स्टिक्स, ब्रेड स्टिक्स और साथ में मफिन। ये मफिन मैं बाहर से खरीद के लाया हूँ क्योंकि आज संडे है, तो एक अच्छा हेल्दी और थोड़ा सा मस्त वाला ब्रेकफास्ट होना चाहिए। ओके फ्रेंड्स, अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया है तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें। और फ्रेंड्स, अपने बच्चों के लिए भी संडे में कुछ इस तरह से बनाएं ताकि उनको संडे फंडे हो जाए। और फ्रेंड्स, तब तक मिलेंगे अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर, अपना सब अपना ख्याल रखें।